रोहिणी परियोजना में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर कटोथिया माइन सिंडालको से निरीक्षण दल की टीम आई थी। मौके पर डीडीएमएस अनिल टोप्पो, एनके एरिया महाप्रबंधक संजय कुमार और आईएसओ के मनीष मोहन, एरिया सेफ्टी ऑफिसर पीसी दलाई उपस्थित थे। निरीक्षण दल में कन्वेयर माइंस मैनेजर राजू कुमार सिंह, केसी मोदक, अमरेंद्र कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, रविंद्र कुमार शामिल थे। सबसे पहले रोहिणी पीट ऑफिस पर निरीक्षण दल के कन्वेयर के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। उसके बाद मैनेजर नीतीश झा के द्वारा सभी लोगों को खान सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। निरीक्षण टीम के द्वारा खदान का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान स्वागत भाषण परियोजना पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह के द्वारा दिया गया। बीडी महंत के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वहीं खदान में सेफ्टी से संबंधित एक डेमो भी दिखाया गया। बेहतर सुरक्षित तरीके से काम करने वाले 32 कामगारों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर एनके एरिया के महाप्रबंधक संजय कुमार के अलावा श्रमिक प्रतिनिधियों में ललित प्रसाद सिंह, गोल्डन यादव, शैलेश कुमार, डीपी सिंह, सुनील कुमार सिंह, रामा उराव, जगन्नाथ महतो, ध्वजाराम धोबी, केपी नायक, विशाल शर्मा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, जिससे किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो, कार्य स्थल पर मैं उपलब्ध मान से आए हैं तो स्वागत करेंगे। अरुण साहू इधर देखिए, एरिया से हमें मिला था 4,25,000, उसे हम लोगों ने 6,81,000 कोयले का उत्पादन लक्ष्य किया और उसमें हमें 0 एक्सीडेंट पोटेंशियल अचीव किया। हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं। दूसरे मैं बता देना चाहता हूं कि इस रोहिणी परियोजना में इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंटल माइन है तो एक रिहैंडलिंग का पैच है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल हम लोगों ने 16 हेक्टेयर लैंड जो कि हमारे लैंड एक्वायर लैंड है उसमें हमें माइनिंग करने के लिए इसी एप्लीकेशन किए हैं और वो 6 से 7 महीने में आ जाएंगे, तब तक रिहैंडलिंग में हम लोग काम करेंगे। इस रोहिणी परियोजना में इस साल भी हमें माइन को चलाने की जगह पूरे मिल चुकी है, इसीलिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और मैं सुरक्षा से अपने माइन में दिए हुए टारगेट को पूरा करूंगा। एक बहुत बड़ी बात है रोहिणी परियोजना के साथ 10 मिलियन माइन रोहिणी करकट्टा माइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और उसे लैंड एक्विजिशन में हम लोग जा चुके हैं। ये माइन भी 2 से 2.5 साल के बाद 10 मिलियन का माइन आ जाएगा। तो रोहिणी परियोजना एक एनके एरिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस और 10 मिलियन का माइन होने से ये एनके एरिया का और सीसीएल का के प्रोडक्शन में योगदान हम लोग दे पाएंगे। हमारी रोहिणी परियोजना माइन में सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग उसके मन से करते हैं। सेफ्टी पे काफी ध्यान है जिससे कि आपका पिछला रिकॉर्ड देखने से आप समझ सकते हैं हमारा किसी भी तरह का किसी फील्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इस माइन में इंडिपेंडेंट सभी
सभी व्यवस्थाएं हैं, जैसे डिस्पेंसरी, वर्कशॉप, इंडिपेंडेंट कॉलोनी, वाटर सप्लाई, सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। हमें कहीं बहुत ही कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने पे ही कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड का जो है जो अचीवमेंट है वो कर पाते हैं। बाकी ये और हम लोग प्राइज देते हैं, फिर इस प्रोग्राम के माइनर इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शून्य दुर्घटना रहे रोहनी में, जो 4 लाख का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था हेडक्वार्टर से, और उन्होंने बखूबी 4 के जगह पर लगभग 7 लाख का प्रोडक्शन किया, साथ में शून्य दुर्घटना। ये बड़ा है गर्व का विषय है, इन्होंने एरिया के प्रोडक्शन में सहयोग दिया है। चूंकि अब यह परियोजना जो 2 मिलियन टन की है वो सीमित दायरे में आ गई है, और 255 हेक्टेयर का लैंड लगभग समाप्ति पर है, थोड़ी सी जमीन जो बची है उसमें जो कुछ कोयले आकलन में आता है 1.5-2 लाख, उसको निकालने के लिए रिहैंडलिंग करना पड़ रहा है, जिसका कि परमिशन हेडक्वार्टर ने दिया। और हर परियोजना का एक उतार चढ़ाव आता है, अभी ये परियोजना उतार के स्तर पर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इतनी ऊंचाइयां जाएगा जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते, और बहुत जल्द ही, क्योंकि जिस तरीके से लैंड की ऑथेंटिकेशन और FCEC के लिए जो कार्य चल रहा है वो लाजवाब है। आपके परियोजना प्राधिकारी का आधा समय इसी में ही बीतता है। मैं बता दूं कि आपका ये जो रिहैंडलिंग का जगह है जहां पर आप अभी उत्पादन कर रहे हैं, उसका समाप्त होते होते इस वर्कशॉप के बगल में 15 हेक्टेयर का लैंड मिला है।